छोड़ी ए ननकी बाबा से पूछा कहीं शादी करी है बाबा जी हमने से ब्याह कर लेना बाबा शादी ना करला का रे उरे शादी ना करे बाबा शादी ना करला काए बाबा जी बाबा का गुदरी में दाग लग जाई देखी गुदरी में दाग लग जाई तो खूब सुंदर बाबा साबुन से साफ कर देम सर बाबा का सिर पर पाप के बोझा चढ़ जाई बाबा से शादी करके हाँ हाँ बाबा जी तो बाबा लो जरूर शादी करी लेकिन आज ना कहिया जब सूरतपुर से लौटे तो डोला फनाए साथे साथ ले जाए ऐसे ना बने हमरे के नेखे विश्वास हो कैसे विश्वास हो विश्वास हो कब रुआ गुरु के लिए खाई तब ये गुरु कसम खाए पड़ी हाँ। गुरु कसम खा रहा मैंने की जब लौट के आए तो साथे साथ ले जाए आए तो नहीं जाए बाबा जी हमने की विश्वास हो
अच्छा बाबा जी हमने के जाता नहीं सर हमने के विश्वास हो गई धन्यवाद धन्यवाद। आज जोगी ब्रिज भार के मुनगढ़ से पार हो गई। आज जोगी ब्रिज भार कहां जा रहा हलवा की सूरतपुर में हर गांव तो हो बजावत हीरा लो चल तो बाड़े सब सुखी में है महाराज कोई दुखी में नहीं है महाराज। आप लोग नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ क्या मेरा नाम है। मैं अपना परिचय बतला रहा हूँ। मैं सोरठपुर का रहने वाला मेरा ही नाम राजा दक्ष महाराज है। मुझे पुत्र नहीं सिवाय एक पुत्री जिसका नाम है सुरठी। वो ब्याहन जोग हो गई है इसलिए मैं अपने राज में ऐलान कर देता हूं ताकि जो कोई 12 बरस के नौजवान यह हमारे राज में आ जाए उसको सीधे गोली मार देना है और 80 बरस का बूढ़ा जावे उसको छोड़ देना है। यह हमारे महाराज दक्ष का हुकूमत है। सिपाही ये हमारे राज में ऐलान कर दो। ठीक है महाराज कि जो कोई नौजवान ये शंभूपुर बॉर्डर पर आ जाएगा अच्छा उसके सीधे गोली मार दिया जाएगा और 80 बरस का बूढ़ा आवे उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है महाराज अभी मैं ऐलान कर देता हूँ। जाओ मेरे महाराज दस सिंह का यही आवाजा है ये सिपाही हमारे राज में तुम नारा लगा दो और जोगी दे दो जो कोई नौजवान आ जाए उनको गोली से मार दो 80 बरस का बूढ़ा आवे उनको आदर के साथ लाकर हाजिर कर दो। दियो दियो सिपाही महाराज ऐलान कर दिया। हाँ। और ये साइन बोर्ड हमारी ये शंभूपुर बॉर्डर पर टांग दो ताकि जो कोई आएगा वो साइन बोर्ड पढ़ लेगा तब ये बॉर्डर पार करेगा। महाराज आप देखिए ये महाराज का हुकूमत है। साइन बोर्ड में टांग देता हूँ हथियारा का पास फोन कर देता हूँ हथियारा अपने हर वे हथियार लेकर तो तैयार हो जाओ। हमारे महाराज का हुक्म है ये आपको सोना नहीं है जागरण करना है। जो कोई नौजवान आ जाए उनको गोली से मार देना है 80 बरस का बूढ़ा आवे आदर के साथ हाजिर करना है। हमरो तो घरवा
बिना सहाइया से करल विपतिया रामा कोई ना सहाइया से विपत्ति में कोई ना सहाया जी दरवाजा सातू में ताला लागल आज महल का दरवाजे पर आके तू खड़ी हो गई। जो पूछते हो बता दो सही सही, नहीं बताएगी तो आज तू जान से खत्म हो जाएगी। पूछे भैया हम सब कुछ बताओ, जो पूछ रहे हैं से बताओ। पूछा सब काठी बाड़े नोई यारे तोहार तनी बोलना कावना राजा के तू यावा पतो यारे तनी बता दे भैया। कावाला राजा के ये तू हियावा पतो हियारे बोपनी बोलना साचे भेदवा तो ना पातलाए तोनी बोलना हमारा घरवाले भैया सोरतपुर नगरिया भैया सुनना हमारा घरवाले भैया सोरतपुर नगरिया भैया सुनना सोरठी पड़ेला हमर नाम भैया सुनना पावन मुसीबत ये बबनी तुहारा पर पड़े ये बबनी बोलन साचे भेदवा तो रहतवाजे भैया आई है मोर बलमुआ भैया सुनना
इहे तो रहतवा ये भैया आई है मोर बलमुआ भैया सुना ना मारल जई है संबलपुर बॉर्डर भैया सुना ना पवन पारा नवा पाले तोहरों सा जानवा ये पवनी बोलन काठी एक पहले वारी लवास बनी कोहन ये भैया कहा हमरा बलमुआ की रंग पूछ करो हाँ हाँ ते कैसन बाड़े हाँ हाँ रंग के बाड़े बता दो हम सब बता दे भैया बता दो था अच्छा भैया सामने बरनवाये भैया बाड़े मरब Yeah.
कहा भवनी? हमर बदमुआ 12 बरस के बानी, सावर बरन बा लीला तो मरी जरत हुई, गोड़ में झुरकी खा रहा बा। अच्छा, गिरुआ बस्तर में हुई है। हा हा। काख में बावन खंड की झोरी हुई। हे भगवान, आज जोगी के रूप में वही हाँ। हा। देखा तोहर बलमुआ नौजवान बाड़े, तोहरा पिताजी के हुकूमत बा, जो कोई नौजवान आई ओकरा के गोली से मार दहल जाए। 80 बरस के बूढ़ा आई ओकरा के आदर के साथ दरबार में भाई। यही से इन्हें भैया तहरा लगे हमर बलमुआ नौजवान बाड़े, हमारा बलमुआ के बचा ले भैया। देखा तोहर बलमुआ के हम कैसे बचाए, तोहर बलमुआ नौजवान रूप में वही हम यहाँ मारल जाई हम, तोहरा लगे कौन तकलीफ होके तो हमरा के कहो, हम बता देव। हाँ भैया, हमारे लगे सब कुछ बा, हम बताए। देखो भैया, कहा हमरे लगे दुगो गुटका बा, जमुना गुटका का नाम हो एक नंबर दो नंबर, एक नंबर खिया देबो तो 80 बरस के बूढ़ा हो जाइए, दो नंबर खिया देबो तो फिर 12 बरस के नौजवान हो जाइए। हे भगवान, गुटका में या ताकत बा? हाँ भैया, एक गुटका खिया दे हम तो 80 बरस के बुढ़वा हो जाइए। हाँ भैया, आ एक गुटका खिया दे हम तो नौजवान हो जाइए। हाँ भैया। हे भगवान, आय सती के सत बलवान हो जी से हार गए भगवान, आय सती के गुटका दे हलवा दह हमरा के गुटका दह भैया, खुद तोहरा पति के बचाए जा। एक गुटका के संभाल के रखियो, अच्छा काहे कि हमरा बलमुआ के बचावे के उपाय भाई गुटका। अच्छा जा। अच्छा भैया, हम जाता नहीं। जा। हे भगवान, आप देखिए रास्ता के लड़ाई कैसन बा। शंभूपुर बॉर्डर पर जा रहा जहाँ की हत्यारा के पहरावा बाब जोगी बीर के भार के कैसे प्राण बची। Oh, God.
आई डोलपा नलाव हो मामा जो हो तोई है हो भाइयों के भूगोल रे हीरा लाल शंभूपुर हो सरकार का कर रहे बाब यहाँ यासन कहाँ जा रहे हो ये बाब रे बाबा के आगे बढ़ी जाए कि बहो आगे परे हाँ हाँ बाबा अपने महात्मा बानी रे हम भगवान के भगत बानी हे भगवान लगुआ भगवान के भगत बानी हाँ हाँ बाबू तो सरकार हमर वचन मान जाए आगे नहीं खे जाए की कहे बाब रास्ता जाम्बा रे कैसन जाम्बा हमका टायर बॉयल लेबाने की जाम्बा की ना पास होई टायर बॉयल के लिए ना बाबा हाँ हाँ आदमी के लिए रास्ता जाम्बा ये बाबू कैसन जाम्बा का के सुनाओ यहाँ का राजा दक्ष महाराज उनके डरे भूमि डरेला सरकार और नाराजी वादले बड़े राज में हाँ हाँ जो कोई नौजवान हमारा राज में पैस जाए ओकरा के गोली से मार दे अस्सी बरस के बूढ़ा आई ओकरा के आदर के साथ ले आवल हम भगवान के भगत बानी हाँ। हमरा के हत्यारा का करिए हो सरकार रुआ ना मानो हम कैसे माने हे भगवान तू के हुआ कि ये बॉर्डर पर घूम रहा बड़ा हे भगवान आज सती हमरा से कह दी कि हमर पति वही हन तो उनका देह वो तू वही कीजा रोशन परन चीन लिया उनका बावन खंड के झोरी हुई कांख उल्टा खजड़ी ले ले हुई हन झुनकी खराउं पहन ले हुई हन सोवरन छड़ी ले ले हुई हन मोहनी बांसुरी ले ले हुई हन उनका लीलार पर मनी जर थन हे भगवान इहे के आगनी आज इनका के मार मारल जई हन तो हमरा इस पापी दुनिया में कोई ना हो सके बाबा कहा हमर दादा हमर बात मानल जा जवन कहम तवन मान जाई यहाँ नौजवान के जाना माना बा अस्सी बरस के बूढ़ा जाई ओकरा के कोई ना पूछ रउआ नौजवान पानी आगे जाए मारल जाए हमर बात मानी हमर नाम उपकारी हो सब कारी हो हाँ हाँ हे बाबू कहल जाओ तू तो पर उपकार कर थकबो जरूर जैसे सरपंच के उपकार कर थकबो हाँ हाँ उससे गरीब योगी के उपकार कर दो आज कोनो बुद्धि रास्ता लगावा की बुडरवा के पार हो जाए बाबू हे भगवान बाबा हमरा लगे कवन बुद्धि बा लेकिन आज खुदे तोहरा के बुद्धि बताए बाबा आज सरकार सुन ले हरिया आज हमरा लगे गुटका बाईबो ये गुटका खा ले है तो 80 बरस के पुरनिया हो जाए ये गुटका में इतना ताकत बा इतना कीमत बा एको गुटका खा ले हम हाँ। तो 12 बरस के नौजवान बन जाएगा ये गुटका खाए के सकारी तब आगे मह जाए के रास्ता बाबू चल जा अरे गुटका खियाओ 80 बरस के बूढ़ा बनाओ अच्छा ये बुढ़रवा के पार करा दो बाबू सरकार हम खुदे पार करा दे हम लियाओ गुटका
चल तो बड़े हो गई। हाँ हाँ बाबू, गुटका में या कीमत बा, सती के सत प्रमाण हो जी से हार गए भगवान। आज सती के दहल गुटका रुआ खा लेनी तो रुआ 80 बरस के पुरनिया बन गई। लेकिन सरकार राउर केस पाकल ना जी बाबू कहल या रे केस पाकल लिखे तो एकर कौन दवा बा हो? एकर दवा हमरा लगबा का दवा बा? हाँ हाँ हाँ। बाबू तो जल्दी पकाओ केस, अब डरवा के पार करा दो। सरकार केस कैसे पाकी, एक लुका खर ले आवतानी हूं कदे तारी जा कप। हे रे कोनो मसाला से पकाओ। मसाला से? हां हां बाबा, लम्हार के दुआर पर है वो बावन विद्या पढ़े। हां हां हमर लगे मसाला बा, जरूर हुआ केस के पकाई तारी हम। ई बाबू रे पा गई। हां 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 बाबू हमार अब देखा आंख से तो कमजोर लोग पता। कमजोर लोग पता? हां बर लगे जा समा बा। अरे पावर वाला रख लो। यहां से पहले हम तो दिल्ली तली लौकी। हां हां नया दिल्ली तली गंगा का सेट बा, वहां तली लौकी राव। आई की लौका था? हां ए बाबू लिखिए वो काम करो। कहल जाओ तनी बोडरवा के हमार एक ढड़िया मोटरिया लेके पार करा दो। बाबा चल जाओ, हमें आगे आगे चलो। अपना प्राण के दे दे हम, लेकिन राहुल प्राण बचा दे। चल बाबू हम चल जाओ। चल बाबा चल बबुआ जोगी बीर जब हार ये बुढ़ा रूप पकड़ के बॉर्डर के पार कर रहे। चल बे तो चल बे बबुआ आ चोली तुहरा साना हो। चलो लिखे जाते हमार दादा मियारा गइल बा। चलो ते चलत हमारा पोइया पिरोइले हो। Yeah.
लोग नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या मेरा नाम है। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा ही नाम शंभु है, प्यारा है। मैं ये शंभुपुर बॉर्डर का मालिक हूँ, यहाँ मेरा हुकूमत चलता है। मैं जो चाहूंगा वह कर सकता हूँ। मेरा नाम कौन नहीं जानता है, मेरा नाम इस पहाड़ की कोने कोने में फैला हुआ। बच्चे जब अपने माँ की गोद में रोता है तो बच्चे की माँ क्या बोलती है कि बच्चे सो जाओ, नहीं तो शंभु हत्यारा आ रहा है। मेरा नाम सुनते बच्चे अपने माँ की गोद में सो जाता है। देखता हूँ कि ये शंभुपुर बॉर्डर पर किसकी मौत है जो कि यहाँ बुलाकर लाती है। हमारे महाराज दस का हुकूमत है कि जो कोई ये शंभुपुर बॉर्डर पर आ जाए उसको सीधे गोली मार देना है, और 80 बरस के बूढ़ा आदमी उसको छोड़ देना है। देखता हूँ कि किसकी मौत ये हमारे शंभुपुर बॉर्डर पर बुला कर आ रही। आ गए शंभुपुर बॉर्डर पर। कहाँ आ गए? हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो रुक जा, हम आगे जाता नहीं। हम आगे जाए पाता लगा के आए तो तुहरा के पार कर। बाबू हम। हाँ हाँ हाँ, अगवा जाता। हाँ हाँ, ए जा बैठी। हाँ, ए जा बैठा। जा हमार, यहाँ से कहीं जाइ हम। हाँ, ए जा रुक रहिया। हे भगवान, आज हम ये बाबा के बैठा देनी, हम जाता नहीं। अब देखी जो हत्यारा का करता तनी चली हम। हे भगवान, ऐसा चाल में चलम जो हत्यारा हमरा के नाची। आज मैं क्या देखता हूँ, देखता हूँ कि ये इंसान की मौत हमारे बॉर्डर पर बुला रही है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं इसे जिंदा कभी नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ कमीने मुर्दे की औलाद, तुम कहां से शंभुपुर बॉर्डर पर आ गया रे? कहां से आ गया? आज मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा भगवान, आज मैं तुम्हें जिंदा कभी नहीं छोड़ूंगा रे। देख रहे हो ये क्या है? इसका नाम है हंडर। ये हंडर तुम्हारे जिस्म पे गिरेगी, बचा लो भगवान। तुम्हारे जिस्म से खून गिरेगा और तुम कमीने मुर्दे की औलाद सफेद हो जाएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम हमारे महाराज का कानून का नहीं जानता है? हमारे महाराज भगवान बचा दो। यहाँ कोई कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये शंभुपुर बॉर्डर है, हमारे महाराज का ये हुकूमत है कि जो कोई नौजवान ये शंभुपुर बॉर्डर पर आ जाए उसको सीधे गोली मार देना है। मैं एक गरीब हूँ सरकार। गरीब है तो फिर ये हमारे शंभुपुर बॉर्डर पर क्यों आ गया? महाराज सुले जाओ सरकार, मारे जाओ सरकार। आओ हमारो तो घरवा आज तो रतपुर सहारिया हो।
तुम्हारा नाम उपकारी है? हाँ सरकार। तुम झूठ बोलते हो। ना सही करे सरकार। तुम सोनकपुर का वासी है? ठीक है, जबकि तुम सोनकपुर का वासी है, ये पहले बताओ यहाँ का महाराज का नाम जानता है? जरूर। क्या नाम है? राजावा के नोया बाड़े। राजा तो वासी है सरकार। मगर एक और बात पूछूंगा। कौन सा बात? ये पहले बतलाओ कि उनकी खानदान में कोई है कि नहीं है? जरूर। आऊ ना का तो बारी हो भैया, ये के बोलोरी किया हो। मैं समझ गया कि तुम सोरठपुर का वासी है। हाँ सरकार। मगर तुम्हें मालूम नहीं है उपकारी? नहीं। जो पूछूंगा वो सही बतलाना होगा। जरूर। तब कि तुम सोरठपुर का वासी है। हाँ। तुम्हारे पास नागरिकता है? सरकार, नगरता प्रमाण, दाखिल खर्च के कागज, सरा आग लागल जरगर। कमीने! तुम झूठ बोलता है। नहीं। तुम सोनपुर का वासी नहीं है। सही कह। जबकि तुम्हारे पास नागरिकता नहीं है तो तुम सोनपुर का वासी नहीं है। तुम झूठ। झूठ बोलता है कि मैं सोनकपुर का वासी हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम सोनकपुर का वासी है, तुम जबकि तुम्हारे पास नागरिकता नहीं है। बोल। हाय हाय सरकार। नागरिकता है? कहाँ है? बाहर से आओ तरी सरकार। अरलवानी हजूर, नई दिल्ली से गंगा कसेट, वही से आ रहल बनी। कमीने मुर्दे की औलाद, तुम चकमा दे रहे हो? नहीं। तुम हमसे झूठ बोल रहे हो? नहीं। सही करे सरकार। मैं पूछता हूँ, उतना ही को जवाब दो, तुम्हारे पास नगरिता कहाँ है? नगरिता घर छूट गया है सरकार। क्या घर पर रख दिया है? हाँ। कल ला कर दिखा देगा? हाँ जो कल दाखिल कर देंगे सरकार आपको सामने। सोच लो, कल तुमको यहाँ नागरिकता लाकर 8 बजे दिखला देना होगा। ठीक है जो। नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने। मामा। आई। रास्ता जाम नहीं खे, रास्ता में कोनो खटका नहीं खे, जाई जाओ, हम पीछे पीछे पानी लूंगा। जाम नहीं खेन ना। चला हमारा लावत जइया, ही लावत जइया, कोई सजन दे रही है। जा ओई ने बुढ़ा पाया रामा सुझे ना डोगोरी या हमरा ना डोगोरी या हो।
करने के लिए हो जाओ तैयार। तुम कहां से ये शंभूपुर बॉर्डर पर आ गया रे? यहां का कानून तुमको मालूम नहीं है? ये नहीं देख रहे हो साइन बोर्ड? साइन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? हमारे महाराज दत्त का ये हुकूमत है कि जो कोई नौजवान ये शंभूपुर बॉर्डर पर आ जाए उसको सीधे गोली मार देना है, 80 बरस के बूढ़ा जावे उसको छोड़ देना है। तुम कहां से ये शंभूपुर बॉर्डर पर आ गया रे कमीनी? मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। मारो मारो मारो, बुढ़ा है बुढ़ा, पुरनिया होंगे न तो मारल जाओ। हमारे महाराज का कानून नहीं जानता है? हमारे महाराज का ये कानून है कि जो कोई 12 वर्ष का नौजवान आवे उसको गोली मार देना है। ते पुरनिया है, पुरनिया है सरकार, देख लीजिए इसका चाम झूल गया है, माथा का केस पक गया है सरकार। हाँ रुक जाओ, हिलाओ अभी मैं इसे चेक करूंगा। ये बूढ़ा है कि नौजवान है? चेक कर लेंगे। ये काम करो, जब ये बूढ़ा हो गया होगा तो इनका तन का चमड़ा जो है सो झूल गया होगा, सारा झूल गया। पहले चेक करो, हेदे सब लपक लपक हो जाए, गोदाम में कमी ना आए, सब लटक गया, सब लटक गया, इनका तन का चमड़ा छोड़ दिया है। ठीक है, ये बात तुम सही बोला उपकारी, मगर एक और बात है। कौन है सा बात? बात ये है कि जब ये बूढ़ा हो गया होगा तो इनका मुंह का दांत जो है सो टूट गया होगा। मुंह का दांत चेक कर लो। जाओ बाबा। अरे बाबू, अब तो काम कर बड़ा गई। क्या कहता हो? कहता मुंह का दांत देखे के। अरे वो मुंह का दांत टूटल ना बा? ना ए बाबू, सब दांत बा। हां अब तो धरैनी सब पकड़ैनी सब। ए बाबू हैं, देखो ना वकील लाइक है। एमे वकील तो बा हमरा लोग तो लगा दो। एगो काम कर लो, तू खाली फतना पर कह के दांत देखन लो को यही नहीं को देबो तो हमर प्राण बच जाई आ तोहर प्राण बच जाई। ठीक भाई, ए बा आवल जा, देख चेक करो, आवल जा देख जा। उपकारी तुम सच बोलते हो, इनका मुंह का दांत बिल्कुल झर गया होगा? नहीं है, मगर एक काम करो। कौन ऐसा काम? हाँ मेरी जान होगा कि इनका सर का बाल जो है सो अगर ये बूढ़ा हो गया होगा तो पक गया होगा। तुम सही कहते हो उपकारी, ये बूढ़ा हो गया है, ये कोई काम लायक नहीं है, मैं इसे छोड़ देता हूँ, मैं इसे छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया सरकार, महाराज का हुकुम बा। मगर एक काम करो। कौन सा काम? काम यही करना होगा कि मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। मैं बहुत दिन से ये नई दिल्ली में मैं जाकर पहुँचा हूँ, वह जानते हो कहाँ? गंगा सीडी के सच में। क्या हम सुनते हैं कि बहुत ये नई दिल्ली में सबसे बड़ा मशहूर ये गंगा सीडी के सच है, इसलिए मैं आकर यहाँ पहुँचा हूँ। मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। अच्छा, जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं? हाँ हाँ, गंगा सीडी का सेठ का बगल में एक दुकान है। हाँ मैं उसी में जा रहा हूँ, खा लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा हमारे खाते जाइए। ठीक से ड्यूटी करना है ताकि ये बॉर्डर पर कोई आने ना पाए। हाँ, सरकार कोई नहीं है। हाँ कोई नहीं आएगा, लो जाइए महाराज। बाबा भाई, बाबू भावन विधि आप पढ़े तो लम्हर के द्वार पर रहे। आई सरकार हुआ के हम पहुँचा दे, अब आगे वहाँ जाए जाओ फुलवारी देखता नहीं हो। बाबू कहल जाओ रे, हाई घेसना बदलबो
ये फुलवारी में चल जाए हाँ। और जाकर तुलसी इनार रोक था अच्छा वही इनार पर जाकर स्नान कर ले हाँ। आई वही नौजवान वाला गुटका बहु खा ले अच्छा 12 बरस के कुंवर बन जाए हाँ। वही जा जाए हम तो पानी पिए के मिल जाए पी ले हम चल जाए ठीक बा बाबू हम हाँ रगावत हो बजावत हीरा लाल चल तो बारे राम ये उपकारी कालीला उपकारी क्या करता है कहां पहुंचा दिया बाबा को सती का सत बचा दिया आसोराठी फूलवारी हीरा लाल चल तो मैं भगवान देखिए रूप कैसे रूप बदल दिए बाबा किया हो रामा अपानी के पिया तो रही रामा चल तो मैं सोठी के फुलवारी में आके पहुंचल बेबाब जोगी बिरजभार के बड़ी जोर से प्यास लागल बेबाब लेकिन आज डॉक्टर के बुढ़िया भाई पानी भरे आ रहल बिया जोगी बिरजभार ए बुढ़िया से पानी मांग के पी अब बाबा की आत्मा जुड़ा जाई बाबा यही फुलवारी में आराम करी है तो अपने रास्ता के रम है बाबू किया हो रामा के पिया चल हीरा लाल चल तो राम हे भगवान हमरा पांच गो बेटा पांच गो पतो छ गो नाती हंदनी पानी भरे हमार पतो बड़ा सुखवा रहलो उ खाना बल हम खाना खाए ने राम कहने हमदनी पानी भर लिया हम पतोल खाना बनाई लो हे भगवान हमरा बड़ा दासा बा हे प्रभु जी हम कबले दी हम कबले ना हे भगवान हमारा दासा बा तनी पानी भर कर लिया हमार पतो हमार खाना बनाई लो हम खाना खाए हमारो तो घर वाये राम सोरठ पुरनगरिया में सोरठ पुरनगरिया हो पनिया भरन हम जाइन Thank you.
भरा ने हम